यूपी के जनपद गोंडा में अपनी पत्नी को मारपीट कर 3 तलाक देकर छोड़कर भागा पति, पीड़िता महिला ने लगाया आरोप। लगभग 50% विकलांग लड़की को वे पत्नी को मोहल्ला मेवतियान के लोगों ने मदद कर खाने पीने का इंतजाम किया और पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा से लगाई याचिका। ब्यूरो रिपोर्ट, हामिद अली। क्या नाम है? मैं क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपके अम्मी को छोड़ दिए हैं आपके पापा? जी, हमारा नाम फरीदा खातून है। मैं रुधौली बस्ती की रहने वाली हूँ और हमारे हस्बैंड असगर हुसैन फारूकी हैं। वो हम ये बताइए, आपके पति क्या नाम है? हमारे पति का नाम डॉक्टर असगर हुसैन फारूकी है। वो डॉक्टर हैं और टीचर भी हैं सरकारी। हम लोगों को बहुत दिनों से मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं। हमारे कोई औलाद नहीं है, इसलिए हमको मारते पीटते हैं और मेरी बेटी विकलांग है, उसको भी परेशान करते हैं। अब क्या हुआ है? अब वो 6 जून को हम लोगों को ला करके यहाँ पे मियातियान वाले फुकानिया मस्जिद के पास ला करके छोड़ दिए हैं, मार करके, और कहा तलाक तलाक तलाक। आपको 3 तलाक दे दिए हैं जी? फिर इसकी शिकायत आपने कहीं की है? जी, हमने इसकी शिकायत महिला थाने में की, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं, तो हम यहाँ पे आए। तो एसपी साहब मिले आप? जी मिले, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले हमारे बेटी को, और हमको न्याय मिले। क्या नाम है? मैं क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपके अम्मी को छोड़ दिए हैं आपके पापा? काहे के लिए? अच्छा,